मिथिला मंच न्यूज को अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब में और देखें कोरोना अपडेट। दरभंगा के कई वार्ड और पंचायतों में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम बता दें, शुक्रवार को दरभंगा में 20 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं और पुलिसकर्मी भी हैं। हम आपको बता दें सबसे पहले कि बिग बाज़ार के 3 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी के कार्यालय के 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। बता दें कि दरभंगा के वार्ड नंबर 1 दिलावरपुर में एक दोनार गुमती के पास के एक पॉजिटिव मिले हैं, तो सदर में दूसरा दोनार चौक रेलवे गुमती के पास, तीसरा जेपी चौक लक्ष्मी सागर, दोनार चौक वार्ड नंबर 17, दोनार चौक वार्ड नंबर में 17 में दूसरा, और दोनार के साथ बहादुरपुर में भी पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें छोटमी एकमी ओझौल नियर किडजी स्कूल के पास हैं, दूसरा नाका नंबर 5 लहरिया सराय स्टेशन की तरफ, नाका नंबर 5 में दूसरा मरीज, इस तरह 4 बहादुरपुर और 5 सदर से हैं। इसके अलावा बता दें कि दरभंगा शहर में 12 कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। दरभंगा एसएसपी आज गंभीरता को लेकर के सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो जा रहा है और खासकर सड़कों पर एवं रेस्टोरेंट होटल बाजारों में लोगों की बढ़ती भीड़ और कोरोना से पूरी तरह लापरवाह होते देख दरभंगा में प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दरभंगा DMCH में शाम तक करीब 12 पॉजिटिव मरीज ही पहुँच पाए हैं। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद दरभंगा जिला प्रशासन भी काफ़ी सतर्क हो गई है। दरभंगा DMCH के आइसोलेशन वार्ड में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 बजे तक पहुंचे थे, लेकिन शाम तक 12 कोरोना पॉजिटिव भी पहुंच पाए, बाकी अपने अपने जगह पर शायद क्वारंटाइन हैं। तो हम बता दें, दरभंगा के एक अधिकारी के पॉजिटिव होने के बाद एक पुलिस अधिकारी के कार्यालय के 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। वहीं बिग बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो इस बार फैली है वो है बिग बाज़ार में, क्योंकि बता दें कि मॉल को बंद रखने का सरकार ने निर्देश दिया था, लेकिन मॉल की मांग थी कि वो किसी भी तरह मॉल खुलवा दें, और दबाव में आकर जब सरकार ने कई मॉल को खुलवाया तो बिग बाज़ार में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पहले कोरोना पॉजिटिव बाहर के बताया जा रहा था बिग बाज़ार में, कि वो एक सफाई कर्मचारी है जो बिग बाज़ार मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन बाद में अचानक जब उसकी जांच कराई गई तो वो पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा बिग बाज़ार के 3 और कर्मचारी के पॉजिटिव हो जाने के बाद खतरा बढ़ गया है। दरभंगा के कई बाज़ार ऐसे हैं जहां लोग बिना मास्क इस्तेमाल किए हुए धड़ल्ले से बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए सामान के खरीदारी में लगे हैं, जिससे खतरा भी बढ़ गया और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम बता दें, दरभंगा में शुक्रवार को 20 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 12 दरभंगा शहर से हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर यूट्यूब में हर अपडेट खबर।